ये देख कितना खूबसूरत लग रहा है यार किला। ये तो एक एंट्री पॉइंट था, अब असली किला अब शुरू हो रहा है। कितना भव्य है, क्या बात है। लेकिन बाद में अब इसे टॉयलेट कन्वर्ट कर दिया गया है, लोग बाग जो देखने आते हैं यहाँ पे। ये क्या है? जी आकार जी, आप जी बहुत बड़ी चीज है जी। अच्छा, रेशमी किले में। ये बताइए बारात का क्या सिलसिला है, उसकी पड़ताल करेंगे हम। लिवा चलेंगे आप, तो हम आपको बता दें यहाँ पर पूरी की पूरी बारात समा गई थी। गार्ड्स, जब नकारा इस पत्थर से बजता होगा तो चारों तरफ सुनाई देता होगा। तो ये चलेंगे हम, पहले गार्ड्स आपके साथ चलते हैं क्योंकि इस किले में खतरा बहुत है। जी 2006 में जी गेट यहाँ से बंद किया गया। 2006 में क्योंकि यहीं से राजा रानी की दीवानी दर्शन के लिए अंडरग्राउंड जाते थे। सुरंग टाइप की थी, यहाँ से सुरंग थी, क्यों जाते थे? ऊपर से कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे। तो आइए चलते हैं, आइए गार्ड साहब कुछ बातचीत। चलिए, तो हम इस किले के रहस्यमय किले के दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ गार्ड साहब हैं जो विस्तार से हर एक चीज इस भूतिया किले के बारे में बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गार्ड साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिएगा। हमारा सुनील खंगार। सुनील जी, तो आप भी इससे कनेक्ट रखते हैं क्योंकि खंगार वंश का ही किला है ये, तो कुछ संबंध है आपका भी इनसे? ये नहीं बता सकते। तो चलिए किले के बारे में बताते जाइएगा। बता रहे हैं कि यहाँ से अपन ऊपर चलेंगे। अच्छा, वहाँ विस्तार से आपको बता पाएंगे। चलिए चलते चलते हैं फिर। ये जो सामने इस तरफ बनी, इस तरफ ये बालकनी बनी, हाँ। तो माने इसी अनुमान लगाते हैं कि जैसे यहाँ से कोई राजकुमार गुजरा है, राजा गुजरा, तो यहाँ से जी फूल बरसाने के लिए ये। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों तरफ गौर करिएगा थोड़ा, एक इस तरफ दाहिने हाथ तरफ ये फूल बरसाने के लिए, और यहाँ बाएं हाथ तरफ भी फूल बरसाने के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गार्ड साहब ने बताई है कि जब कोई राजा राजकुमार आता था तो यहाँ से फूल बरसाए जाते थे। क्या बात है, अद्भुत। जी लकड़ी उसी समय की, उसी समय की। अच्छा, ये लकड़ी भी उसी समय की लगी है। गार्ड साहब, काय की लकड़ी होगी जो अभी तक टिकी है? पहले की लकड़ी है, और जी पहले लेंटर गिरती थी, पहले भूल लोहा नहीं चलता। अच्छा, लकड़ियाँ काट के लगा देती थी। हाँ, ये सटंग काम करती थी। कमाल है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। ये किस चीज का बना है ये किले में जो लगा है? ईंटे पत्थर है, क्या है ये? पत्थर और चूना लगा है। तो आइए, हम लोग दाखिल हो चुके किले के और अंदर, ये भव्य दिख रहा है, कमाल का है। पत्थर उसी समय का रखा है सामने। अच्छा, ये पत्थर भी उसी समय का है। इसकी खासियत क्या, कुछ खासियत यहाँ की? कोई बड़ा करेजिया चढ़ाई उतारने के लिए अपन रखते हैं जैसे। अच्छा, उस तरह का है ये। अच्छा, ये चौकी, ऊपर चलते हैं थोड़ा ऊपर चल के। मान लो अगर दुश्मन ने कभी अटैक किया तो कुछ ये चौकीदारों के लिए हो गया, और कोई ना कोई पहरेदार यहाँ पे भी रहता होगा। कमाल है, ये देखिए। अच्छा, ये पहरेदारों के लिए थे। हाँ, अच्छा, हाँ, ये देखिए चारों तरफ ये है कि बाहर से अगर दुश्मन आया तो अपना पहले तो यहाँ प्रोटेक्शन कर लिया, अपनी बचाव कर लिया, और यहाँ जो अब बंद कर दिया गया है, पहले यहाँ से सीधे। अच्छा, गिद्धवानी देवी का मंदिर है, विंध्यवासिनी है। अच्छा, दूसरे राजा रहे यहाँ सुवर्ण सिंह बुंदेला। अच्छा, विंध्या जल से लाए थे जी, विंध्यवासिनी है। अच्छा, वहाँ से गिद्ध पर सवार हुई तो गिद्धवानी हुई। तो गिद्धवानी, कमाल है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार किला। ये तो एक एंट्री पॉइंट था, अब असली किला अब शुरू हो रहा है। कितना भव्य है। तो चलिए गार्ड साहब बताते चलिए, कमाल का किला है। किसने भाई, यहाँ भी कुछ खास है ऊपर दिखाने लायक? कोई खास नहीं है। चलिए, यहाँ पर किसने किसने बनवाया था किला? ये सबसे प्रथम यहाँ रहे हैं महाराजा खेत सिंह खंगार। महाराजा खेत सिंह खंगार जी। हाँ, इसमें जो आपको ये बता के गए, हाँ, बोनाचोर, इसमें बोनाचोर की कहानी कोई नहीं। बोनाचोर की कोई कहानी, ये मिथ्या है, झूठ है ये। हाँ, ये तो है सही के मानी खंगार वंश का है। हाँ, तो इसमें दूसरे राजा रहे महाराजा भी उसी जो बुंदेला। हाँ, फिर उनके बिल्कुल, कभी बुंदेलाओं का राज हुआ, कभी चंदेलों का राज हुआ। कमाल है। तो चलिए और भी पड़तालें बताते हैं, हम पूरे किले को घुमाते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, अब हम लोग असली किले में दाखिल होने वाले हैं,
गार्ड सावा में वो सब कुछ बताने वाले हैं जो और यूट्यूबर्स यहाँ पर छोड़ चुके हैं, यहाँ पर नहीं बताया उन्होंने। ये देखिए हम वहाँ से आए हैं, वो एंट्री पॉइंट है, और जो कि ये वहाँ पर पहरेदार रहते थे, किला में अभी हम दाखिल नहीं हुए हैं, अब हम असली किले में दाखिल होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये कितना कमाल का है। हाँ गार्ड साहब आप बताते जाइए। अच्छा ये घुड़साल थे, घोड़े। अच्छा ये चलिए और थोड़ा पास के देख रहे, घुड़साल थी, क्या बात है। लेकिन बाद में अब इसे टॉयलेट कन्वर्ट कर दिया गया है, लोग बाग जो देखने आते हैं यहाँ पे। ये क्या है ये आकार जी? आप जी बहुत बड़ी चीज है जी। अच्छा मानी जी इससे जी चूने की पिसाई होती थी इससे। अच्छा राजा सजा देते थे। कोल्हू चलता था राजा ने सजा दी, आदमियों को इसमें लगा दिया, वो कोल्हू चलता था, आदमी इसे पिसाई करते थे। क्या बात है, तो ये कोल्हू था उस जमाने का जिसमें जिन आदमियों को सजा दी जाती थी वो आटा पीसते थे। भैया घुड़साले थी सब, अब नए टॉयलेट कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं ये भव्य किले को हम दिखाते हैं। अच्छा चलिए ऊपर भी पुराने टॉयलेट राजाओं के जो होते थे वो उन्हें भी ढंग से हम दिखाते हैं। और किले में हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये किला का कुछ जीर्णोद्धार भी हुआ है, कुछ बनाया गया है बाद में? बनाया गया जी, प्लास्टिक हुआ 2006 में हुआ, इस वाले का सामने वाले का पत्थर भी 2006 में बिछे हैं। हाँ ये 2006 में बिछाए गए। अच्छा पत्थर की खासियत है? अच्छा इस पत्थर की बहुत बड़ी खासियत है, जैसे उस समय उस जो इस पत्थर को रखाते थे चौकी, हाँ? तो एक माह का चांदी का एक सिक्का मिलता था, मात इस पे कोई जूता चप्पल पहन के ना चढ़ी इस पत्थर पे। ओ ऐसी इस पे थी क्योंकि ये काय के लिए था, हाँ? इस पे नकारा बजता था, डोरी पिटती थी। अच्छा तरफ के गाँव वालों को बुलाती थी। अच्छा मुनादी सी होती थी। कमाल है, तो यहाँ पर नकारा बजेगा और चारों तरफ के गाँव के लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कोई मुनादी और क्या हो रहा है। कमाल है, तो हम दाखिल होने वाले हैं इस भव्य किले में, भूतीय किले में, रहस्यमय किले में। ये बताइए बारात का क्या सिलसिला है, उसकी पड़ताल करेंगे हम? लिवा चलेंगे आप, तो हम आपको बता दें यहाँ पर पूरी की पूरी बारात समा गई थी। गार्ड साहब हम चाहेंगे, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, पहले तो ये स्मूथ रहा होगा बाद में समय के साथ। हाँ चलिए गार्ड साहब हम जाएंगे, यहाँ से बाहर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, पुनः ये दिखा दीजिए, देखिए कितना खूबसूरती चारों तरफ पसरी है, चारों तरफ गांव भी हमें दिख रहे हैं। वास्तव में जब नकारा इस पत्थर से बजता होगा तो चारों तरफ सुनाई देता होगा, और इस वक्त हमें यहाँ पर आगे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में एक महाराजा के मकान में हम आए हैं। कमाल की अनुभूति है, कमाल का ये महल है, और अभी हम इसमें दाखिल ही होने वाले, बहुत अद्भुत किला है। चलिए आगे चलते हैं। ओह ये अंधेरा हमेशा रहता है गार्ड साहब? यहाँ से जाएंगे आप तो सीधे टॉप पे पहुँचेंगे, यहाँ से ऊंचाई में पहुँच जाएंगे, सबसे शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा तलघर घूमते हुए सीधे अंडरग्राउंड चलेंगे फिर ऊपर आंगन में पहुँचेंगे। अच्छा चलिए यहीं से चलते हैं। तो फिर और तलघर तो सरकार ने बंद कर दिए थे ये, खुला है इतना। अच्छा जहाँ आपको हम ले जाएंगे, हाँ? वहाँ आपको मोबाइल ही जलाना पड़ेगा जब वहाँ पहुँच पाएंगे। अच्छा चलिए हम लोग इंतजाम करके आए हैं, टॉर्च हमारे पास नहीं है लेकिन हम मोबाइल चलाएंगे। ओ इस नमूने को भी देखिएगा, देखिए जब बड़े बड़े अवार्ड शो होते हैं तो ऐसी एक लाइट जलती है, वैसे ही इंतजाम यहाँ पर है। देखिए क्या कमाल है, रोशनी सीधे यहाँ पर आ रही है और इस पूरे प्रांगण को जगह जगह ही ऐसी रोशनी के लिए बने हुए हैं, क्या बात। चलिएगा साहब अद्भुत यार अद्भुत। ये बताइए पानी बरसता होगा तो बंद करना पड़ता होगा उस समय? निकल जाता है जीने जीने नदी बनी हुई बगल से। अच्छा यहाँ पानी गिरेगा सीधे निकल जाएगा, और ये रास्ता है आपका कुगा बावरी को लिए जिसको जौहरी को बोलते हैं। अच्छा उस समय जो रानी मैंने अपनी आप में बजा दी। अच्छा वहाँ पर भी जाएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे फिर जाएंगे जौहर। चलिए चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से बचने के लिए राजा मानसिंह की बेटी और बहुत सारी
उनकी जो दासियां थी उन्होंने जौहर किया था, तो उस कुएं तक हम आपको ले जाएंगे। और ये कितनी सकरी सकरी रास्ता है, गार्ड साहब के साथ हम जाएंगे, उससे पहले यहाँ हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं जाने के लिए। ये देखिए कितनी सकरी रास्ताएं हैं और कितना भव्य नजारा है। और वास्तव में एक भूल भुलैया है यहाँ पर, आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले गार्ड साहब के साथ चलते हैं, क्योंकि इस किले में खतरा बहुत है। फालतू का खतरा हम मोल नहीं लेंगे, जहां जहां गार्ड साहब ले जाएंगे वहां वहां हम जाएंगे। ये 2006 में जी गेट यहाँ से बंद किया गया, 2006 में, क्योंकि यहीं से राजा रानी की दुवानी दर्शन के लिए अंडरग्राउंड जाते सुरंग टाइप की, यहाँ से सुरंग थी, क्यों जाते थे? ऊपर से कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर दे, आक्रमण ना कर दे अंडरग्राउंड। क्या बात है, ये 2006 में जी यहाँ का गेट बंद, 2006 तक खुला था ये, 2006 के बाद से ये काम आया, गेट बंद कर दिया। ठीक है, और ये ही रोशनी पहले यूज होती थी नीचे तक, क्योंकि यहाँ भी वेंटिलेशन थी। अच्छा, यहाँ भी वेंटिलेशन थी, नीचे तक जाती थी, तो यहाँ की वेंटिलेशन भी 2006 में जी बंद किए गए। अद्भुत।